नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 मई सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विन्नी विन्नी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में पानी के लिए कठोर नियम बनाने की तैयारी, निवेशकों के लिए बड़ी खबर, पीएम मोदी ने स्टॉक मार्केट के लिए दिए अहम संकेत। 23 जिलों में आज तेज गर्मी का अलर्ट, 35 डिग्री को पार कर सकता है रात का पारा। शेयर बाजार आज बंद, मुंबई में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के चलते छुट्टी। इस साल 52 दिन की होगी बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में ग्राउंड वाटर की स्थिति हर दिन खराब होती जा रही है। इसकी वजह से प्रदेश में आने वाले वक्त में जल संकट पैदा होने की स्थिति खड़ी हो गई है। केंद्रीय भू जल बोर्ड और राजस्थान के भू जल विभाग के डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स रिपोर्ट के अनुसार हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जयपुर समेत राजस्थान के 4 बड़े जिलों में अगले 2 सालों में ही पानी खत्म हो सकता है। इस रिपोर्ट के बाद भूजल विभाग एक्टिव मोड में आ गया है। भूजल विभाग के चीफ इंजीनियर सूरज भान सिंह ने बताया कि जल संकट को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ग्राउंड वाटर रेगुलेशन एक्ट लाने की तैयारी में जुट गई है। इस एक्ट में न सिर्फ कठोर निर्णय लिए जाएंगे बल्कि राजस्थान में निजी इंडस्ट्री और घरेलू ट्यूबवेल खुदाई पर बैन लगाने की तैयारी भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर मार्केट को लेकर बड़े संकेत दे दिए हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि नतीजों के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी से बढ़त देखी जाएगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नतीजों के बाद शेयर मार्केट में तेजी आने की संभावनाएं जता चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में सोमवार को 5वें चरण का मतदान जारी है। 4 जून को मतगणना होगी। मोदी ने कहा कि देश की प्रतिष्ठा में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अधिकतम आर्थिक सुधार किए हैं। उद्यमिता समर्थक नीतियां अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बल देती हैं। हमने 25,000 से यात्रा शुरू की थी, 75,000 पर पहुंचे हैं। राजस्थान में गर्मी के तीखे तेवर बरकरार हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज से 4 दिन यानी 23 मई तक भीषण गर्मी रहने का अलर्ट जारी किया है। आज 23 जिलों में तेज गर्मी की चेतावनी है। 21 मई को 5 जिलों में जबकि 22 और 23 मई को 10 या उससे ज्यादा जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिन में गर्मी के साथ पहली बार रात में भी सामान्य से बहुत ज्यादा गर्मी रहने की चेतावनी जारी की है। लोकसभा चुनाव के चलते आज सोमवार को शेयर बाजार बंद है। मुंबई में आज लोकसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है, ऐसे में इस दिन शेयर बाजार में कारोबारी नहीं होगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 25 के तहत चुनावों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस साल बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा 52 दिन की होगी। अब तक यह यात्रा 1 महीने से लेकर 40 से 42 दिन की होती आई है। हालांकि पिछले साल अधिक मास के कारण 61 दिन की यात्रा हुई थी। बाबा बर्फानी के दर्शन आगामी 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेंगे। भीलवाड़ा से अमरनाथ की यात्रा करने वालों ने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया है। अधिकांश ई मित्र सेंटर के साथ ही ट्रेवल एजेंटों से बुकिंग करा रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में रोज करीब 20 लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। राजस्थान में अब छात्राओं को एजुकेशन कॉलेजों में 30% आरक्षण मिलेगा। राज्य के यूजी पीजी सह शिक्षा को एजुकेशन कॉलेजों में सत्र 2024-25 से 30% सीट छात्राओं के लिए आरक्षित रहेगी। इन सीटों पर छात्राओं को दाखिले मिलेंगे। छात्रों को 70% सीट पर ही प्रवेश दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेज और निदेशालय को इस आशय के आदेश भिजवाए हैं। राज्य के 551 सरकारी कॉलेज में 300 से ज्यादा सह शिक्षा के हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने सह शिक्षा कॉलेज में छात्राओं के दाखिले के लिए 30% आरक्षण लागू करने का आदेश भेजा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद केवल 8 दिन में रिकॉर्ड 1,20,757 तीर्थयात्री बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। 19 मई को 28,055 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ के दर्शन किए। यात्रा में कोई परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन भक्तों को सभी सुविधाएं दे रहा है। डीएम हिमांशु खुराना के मुताबिक बद्रीनाथ धाम बदलते मौसम में श्रद्धालुओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। राजस्थान में संभागीय आयुक्त और कलेक्टरों को उपखंड और तहसीलों में रात्रि चौपाल कर लोगों की समस्याएं सुननी होंगी। वहीं सरकार कामकाज की रफ्तार बढ़ाने के लिए दफ्तर में ई फाइलिंग सिस्टम लागू होगा। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने रविवार को जयपुर में सचिवालय में बिजली, पेयजल, चिकित्सा एवं गुड गवर्नेंस से संबंधित समीक्षा बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन की संभाग स्तर पर भी कमेटी बनाने के निर्देश दिए। वहीं संभागीय आयुक्त, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों से कहा कि तहसील एवं उपखंड स्तर पर रात्रि चौपाल कर आमजन की समस्याएं सुने।
कोटा में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमीन पठान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब अमीन पठान के फार्म हाउस पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। वन विभाग व पुलिस की टीम ने अनंतपुरा इलाके में वन भूमि पर बनाए गए अमीन पठान के फार्म हाउस को तोड़ा है। पठान का ये फार्म हाउस करीब 15 बीघा जमीन पर बताया, जिसे पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। अजमेर में कार्यरत थर्ड ग्रेड टीचर की ओर से लेक्चरर बनने के लिए फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। उसके पति का आरोप है कि लेडी टीचर ने शादीशुदा होने के बावजूद खुद को तलाकशुदा बताया। इस मामले में शिक्षा विभाग भी जांच कर रहा है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिव कॉलोनी कुंदन नगर अजमेर निवासी डॉक्टर अनिल कुमार जटावत ने इस बारे में पत्नी मधु कुमारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बीकानेर में भारत संचार निगम लिमिटेड के जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने मोबाइल सिम की ईकेवाईसी नहीं करवाई है, उनकी आउटगोइंग कभी भी बंद हो सकती है। बीएसएनएल ने ऐसे उपभोक्ताओं को एक बार नहीं बल्कि कई बार मैसेज भेजकर ईकेवाईसी करवाने की अपील कर चुका है, लेकिन अभी भी हजारों उपभोक्ताओं ने ईकेवाईसी नहीं करवाई है। भरतपुर जिले में एसीबी ने रविवार सुबह लुधावई टोल प्लाजा के पास परिवहन विभाग के उड़नदस्ता दल को ट्रकों से अवैध वसूली करते पकड़ा है। एसीबी ने एक परिवहन निरीक्षक, 5 गार्ड और एक प्राइवेट व्यक्ति को पकड़ लिया और पूछताछ के बाद सभी को शाम को छोड़ दिया। आरोपियों के कब्जे से 150,000 रुपए से ज्यादा की राशि बरामद की है, जिसमें से 75,000 रुपए से अधिक की राशि का रिकॉर्ड नहीं मिला। यह राशि गाड़ी में मैट के नीचे छिपी हुई थी। अलवर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है, जिसके कारण जंगल में भी वन्य जीवों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रविवार को मौसम का मिजाज कुछ बदला तो टूरिस्ट की जिप्सियों के सामने टाइगर को देख पर्यटक गदगद हो गए। उन्होंने खूब फोटो वीडियो बनाए। गर्मी से राहत पाने के लिए टाइगर ने पानी में डुबकी भी ली। यह सब नजारा टूरिस्ट के सामने रहा, इस कारण भीषण गर्मी में भी टाइगर की खास साइटिंग हुई है। सीकर जिले में खाटू श्याम जी में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की कार में आग लग गई। कार में 5 लोग सवार थे, जो शॉर्ट सर्किट की चिंगारी निकलते ही कार से बाहर निकल गए। घटना शाम 7 बजे की है। हादसा सीकर के बावड़ी में NH-52 पर हुआ। ये श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर खाटू श्याम जी से वापस कोटपुतली जा रहे थे। श्रद्धालु जैसे ही अपनी रेनॉल्ट कार के साथ बावड़ी में नेशनल हाईवे 52 पर पहुंचे, तो बालाजी होटल के सामने कार अचानक से हीटिंग की लाइट जलने लगी और शॉर्ट सर्किट हो गया। हीटिंग लाइट देकर चालक धर्मवीर यादव ने कार रोक ली और कार में से सभी लोग बाहर निकल गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में सोमवार तड़के एक बस फ्लाईओवर से गिर गई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई और 40 घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 3:30 बजे फतेहगंज थाना क्षेत्र में हुआ। बस दिल्ली से आ रही थी। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार के मुताबिक मृतक की पहचान मेरठ के प्रेम किशन 40 वर्षीय के रूप में हुई है। घायलों को बरेली के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें से 4 की हालत गंभीर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।